ब्यूटी के बारे में, खूबसूरती के बारे में, तो जो हमारे होंठ हैं जिनसे हम अपनी बातों को व्यक्त करते हैं, जब हम बात करते हैं जो हमारे होंठ ऐसे ऐसे हिलते होते हैं, तो उनको सजाना और संवारना कितना इम्पोर्टेंट है एक स्त्री के लिए। हाँ, तो अब हम अपने होठों का ख्याल कैसे रख सकते हैं, उन्हें सुंदर कैसे बना सकते हैं, मेकअप कैसे कर सकते हैं उनका, तो दो बातें मैं आपसे करने वाली हूँ, एक लिप केयर के बारे में और एक लिप मेकअप के बारे में। तो पहला जो है वो लिप केयर है। तो लिप केयर के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है? पहली चीज़ जो है वो है लिप बाम या लिप बटर, जो कि रात को सोने से पहले या फिर जब भी आपने लिपस्टिक या लिप पे मेकअप नहीं कर रखा है तो उसे लगाए रखें, जिससे कि आपके जो लिप्स हैं वो मॉइस्चराइज रहेंगे। आप वैसलीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगी लिप मेकअप के बारे में। तो लिप मेकअप में कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। जो पहला प्रोडक्ट है वो है लिप लाइनर या फिर लिप पेंसिल। तो लिप पेंसिल जो है, लिप लाइनर जो है, उससे हम अपने लिप्स के आउटलाइन को बनाते हैं ताकि वो और भी ज़्यादा कट उनके अच्छे से आए और फिर हमें एक एरिया मिले कि भाई हमें अब इसमें लिपस्टिक को फिल करना है, भरना है लिपस्टिक को। दूसरा प्रोडक्ट है लिपस्टिक। लिप लाइनर लगाने के बाद आप उसी दायरे के अंदर लिपस्टिक को भरते हैं और लिपस्टिक लगाते हैं। तीसरा प्रोडक्ट है लिप ग्लॉस। लिपस्टिक अगर आप मैट लगाना चाहें तो लिप ग्लॉस को ना लगाएं, लेकिन अगर आपको लिपस्टिक और भी ज़्यादा चमकीला और प्रभावशाली दिखाना है तो उसके लिए आप लिप ग्लॉस लगा सकते हैं। लिप ग्लॉस के भी बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि एक शाइनी लिप ग्लॉस होता है, एक नॉन शाइनी होता है जो कि नॉर्मल एक लेयर होता है, ताकि आप लिप मैट लिपस्टिक के ऊपर अगर आप लिप ग्लॉस लगाएंगे। और दूसरा होता है शाइनी शिमर लिप ग्लॉस, जिसमें कि लिप ग्लॉस के अंदर थोड़े शिमर से प्रोडक्ट्स होते हैं, जिससे कि आप अगर लिप्स पे से लगाएंगे तो वो चमकीले से दिखाई देंगे। तो जो हमारे लिप्स हैं वो कितना बातें करते हैं सुबह से लेकर शाम तक। हम अपनी चीज़ों को कन्वे करते हैं अपने लिप्स के थ्रू, अपने होठों के थ्रू बात करते हैं, तो उनका केयर करना कितना इम्पॉर्टेंट है और उनको खूबसूरत दिखाना भी कितना इम्पॉर्टेंट है। तो लिप केयर के लिए दो तीन प्रोडक्ट्स होते हैं। जो पहला प्रोडक्ट है वो है लिप बटर, लिप बाम दूसरा है, और वैसलीन जिसको आप सब लोग जानते होंगे। तो जब भी आप मेकअप ना लगाए हो अपने चेहरे पे, अपने लिप्स पे, अगर आपने लिपस्टिक ना लगा रखी है सोने से पहले या उठने के बाद, सुबह घर पे कहीं पर भी, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप हमेशा लिप बटर या लिप बाम लगा के रखें या वैसलीन लगा के रखें, जिससे कि आपके जो होंठ हैं वो मॉइस्चराइज रहेंगे। और मेकअप तो अगर आप जब मेकअप करेंगे तो उसके लिए आपके होंठ पहले से तैयार रहेंगे, अच्छे मतलब मॉइस्चराइज रहेंगे, तो आपको जो लाइन्स हैं जब आप मेकअप लिपस्टिक लगाते हैं तो लाइन्स नहीं पड़ेंगे, वो बहुत ही मुलायम और अच्छे से रहेंगे। हमारे जो होंठ हैं, जो हमारे लिप्स हैं, उनका ख्याल हम कैसे रखें, हमारे नाजुक लबों का ख़ास ख्याल हम किस तरीके से रखें, हम इस बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं इस बारे में। हमारे जो होंठ हैं वो बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाते हैं, तो उन्हें ड्राई होने से बचाने के लिए हमें हमेशा उन्हें मॉइस्चराइज करके रखना चाहिए। बाहर तो बहुत ही सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, लेकिन हमारे घर में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल अगर हम करें तो हमें बाहर की किसी भी चीज़ को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने होठों को मॉइस्चराइज करने के लिए। तो अगर हम अपने घर के चीज़ों का ही इस्तेमाल करें तो हमें किसी और चीज़ के इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए। हमें बाहर से कोई भी प्रसाधन को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम कैसे कर सकते हैं इसको, हम जानते हैं, चलिए मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में कि हम क्या कर सकते हैं। कि घी, दूध और मलाई, ये सब जो चीज़ें हैं, जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, ये बहुत ही अच्छे मॉइस्चराइज़र का काम करती है। तो जब भी आप फ्री बैठे हो या आप सो रहे जा रहे हो तो उसके पहले आप क्या करें, आप घी लगा लें अपने लिप्स पे या मलाई लगा लें। इन सब चीज़ों से आपके लिप्स हमेशा ही मॉइस्चराइज रहेंगे। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है? इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मेकअप की चीज़ें तो बहुत ही अच्छी लगती हैं, लेकिन मेकअप की चीज़ों का चयन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी बात ये है कि दूसरों का मेकअप तो हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। तो दूसरों का लिपस्टिक कभी भी यूज़ ना करें, और ऐसे चीज़ें, ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि आपको एलर्जिक हैं, उन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें।
कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत ही सस्ते होते हैं और वो अच्छे नहीं होते, अगर आप उनको यूज़ करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपको बीमारियाँ हो सकती हैं, तो उन चीज़ों का भी इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। लिपस्टिक को आप बहुत ज़्यादा दबा के उसको आप अप्लाई ना करें, हल्के हाथों से करें, तो उससे आपको ही मतलब यू नो अच्छा रहेगा। वो ऐसे ही आपको लिपस्टिक को अप्लाई करना चाहिए, बहुत दबा के अप्लाई नहीं करना चाहिए। जब भी आप फ्री टाइम में बैठे हैं तो आप क्या करिए कि नींबू को काट के उसके छिलके पर मलाई लगा के हल्के हाथों से आप अपने लिप्स के बाहर अगर उसको रब करेंगे तो आपकी जो लिप्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइज हो जाएंगी, बहुत रिजुविनेट हो जाएगी और कोमल होगी, पिंक हो जाएगी बहुत ही जल्दी अगर आप इसका इस्तेमाल सही टाइम पे करते रहते हैं तो। आप और एक चीज़ कर सकते हैं, आप नींबू का रस और शहद को मिला के अगर अपने लिप्स पर लगाते हैं तो भी आपके लिप्स अच्छे मॉइस्चराइज्ड हो जाते हैं। सर्दियों के समय पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने लिप्स के केयर में बहुत ही ज़्यादा सजग रहें, अपने लिप्स का केयर करें। तो आप क्या कर सकते हैं, आप घी को गर्म करके हल्का यू नो गुनगुना करके आप उसको अपने लिप्स पे लगाएंगे तो भी बहुत इफ़ेक्टिव होता है वो। जो लेडीज़ स्मोक करती हैं, जो सिगरेट पीती हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो सिगरेट पीना छोड़ दें, क्योंकि सिगरेट पीने से उनके स्किन पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, स्किन डल हो जाती है, लिप्स डल हो जाते हैं, काले हो जाते हैं, तो इस लत को छोड़ दें तो बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग पिंक लिप्स रखने की कामना करते हैं और वो नहीं हो पा रहे हैं उनके, तो उनके लिए एक बहुत ही चमत्कारी उपाय ये है कि आप सोने से पहले अपने नाभि में तेल डालिए, जिससे कि आपके जो लिप्स हैं वो पिंक हो जाएंगे और स्वस्थ हो जाएंगे और बहुत ही अच्छे दिखने लगेंगे। अब एक बहुत ही ज़रूरी सुझाव है मेरे तरफ से आप लोगों के लिए, वो ये है कि जब भी आप मेकअप करते हैं, मेकअप करके आप बाहर जाते हैं और बाहर से फिर जब आप घर आते हैं तो मेकअप उतारना ना भूलें और लिपस्टिक को भी उतारना बिल्कुल भी ना भूलें। आप क्या कर सकते हैं, लिपस्टिक को उतारने के बाद मिल्क मतलब जो दूध है वो बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र का काम करता है, घी भी बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र का काम करता है, तो जब आपने मेकअप उतार दिया, लिपस्टिक उतार दिया, उसके बाद आप दूध से या घी से अपने होठों का मसाज कर सकते हैं, तो ये जो है आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो अब हम बात करने वाले हैं लिपस्टिक के कलर्स के बारे में। यू नो कलर्स आर सो अमेजिंग, मतलब जब आप रंग बिरंगे कलर्स देखते हैं तो आपको कितनी खुशी होती है, और जब मैं लिपस्टिक के कलर्स देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है सारा का सारा लिपस्टिक मैं ले लूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि हम जो लोग हैं, हम जो महिलाएं हैं, हमारे जो फेस का कलर है वो बहुत वेरी करता है, क्योंकि इंडिया एक डाइवर्सिफाइड यू नो कंट्री है, तो हमारे रंग रूप कास्ट रिलीजन सब कुछ अलग है, तो हमारे रंग के हिसाब से भी कलर जो होते हैं वो सूट करते हैं, जो सूट नहीं करते हैं वो हमें नहीं यूज़ करने चाहिए। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा कलर किस तरीके के रंग पे सूट करेगा और किस तरीके के रंग की महिलाओं को किस तरीके की लिपस्टिक लगानी चाहिए। तो हम पहले बात करते हैं बोल्ड गोल्ड के बारे में। तो जैसा नाम है बोल्ड गोल्ड, गोल्ड कलर मतलब सोने का रंग, तो सोने के रंग का जो लिपस्टिक है वो उन महिलाओं को अच्छा लगता है जो कि जिनके लिप्स बहुत मोटे हों और जो बहुत गोरी हो, यू नो सुनहरे रंग हो जिनका, उनके ऊपर बोल्ड गोल्ड कलर बहुत ही ज़्यादा सूट करता है। दूसरा रंग है पिंक। पिंक जो है वो महिलाओं का फेवरेट कलर है, चाहे वो छोटी लड़की हो या महिला हो ज़्यादा उम्र की, जो पिंक रंग है वो सब लोग ही इस्तेमाल करते हैं। अब पिंक के भी बहुत सारे शेड्स हैं, आपके चेहरे की रंगत के हिसाब से बहुत सारे पिंक कलर के शेड्स उपलब्ध हैं मार्केट में, तो आप देखिए कि कौन सा शेड किस पर अच्छा लगता है। जो बहुत ही लाइट पिंक है, एकदम लाइट पिंक, वो बहुत ही ज़्यादा गोरी लड़कियों पर बहुत ज़्यादा सूट करेगा। जो थोड़ा डार्क पिंक है वो जब आप पार्टी में कहीं जाएं शाम को तो डार्क पिंक लगाएंगे तो वो अच्छा लगेगा। तो जो पीच कलर है वो मेरा बहुत ही फेवरेट कलर है, जो कलर हमेशा आप कभी भी लगा सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं हमेशा पीच कलर का लिपस्टिक लगा के रखूं। तो पीच कलर आप डे टाइम में लगा सकते हैं, आप इवनिंग टाइम में लगा सकते हैं, नाइट के लिए थोड़ा सा आप अवॉइड कर सकते हैं उसको, पर अगर एक डार्क पीच कलर है तो आप उसे नाइट में भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो अगला कलर है वो है ब्रॉन्ज कलर। तो ब्रॉन्ज कलर है वो थोड़ा अलग सा शेड है, जब आप कुछ ब्राउन गोल्ड कलर की साड़ी पहने या गोल्ड डिज़ाइनर ड्रेस पहने, तो जब या फिर आपके ड्रेस में लाइक कुछ गोल्ड हो डिज़ाइन, तो उसके लिए तो आप ब्रॉन्ज हो, आपने कुछ ईयरिंग पहन रखे हैं थोड़े ब्रॉन्ज टाइप्स के, या फिर ब्लैक कलर के मेटल के ईयरिंग्स पहन रखे हैं, मेटल यू नो ज्वेलरी पहन रखी है, तो आप
ब्रॉन्ज लिपस्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब गर्मियों के टाइम के लिए एक अलग फैशन मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या कर सकती हैं। आप लिप लाइनर लगा सकती हैं और उसके साथ में आप लगा लें लिप ग्लॉस, दो कोट मारे लिप ग्लॉस का, जिससे आपके लिप्स जो हैं वो बहुत ही गीले से लगेंगे और वो बहुत ही ना जूसी से दिखेंगे। आप ये लगा के बाहर जाएं, अलग सा स्टाइल, अलग सा फैशन लगेगा, बहुत अच्छा दिखेगा आपका ये स्टाइल भी। अब शाम को, गर्मियों में शाम को आप क्या कर सकते हैं कि आप रेड कलर का एक लाइट शेड आप अपने लिप्स पे लगा सकते हैं और आप फिर शाम को बाहर घूमने जा सकते हैं, शॉपिंग पे जा सकते हैं और सबकी नज़रें आप पर ही रहेंगी, क्योंकि शाम के टाइम पे रेड कलर बहुत सूदिंग सा महसूस होता है अगर आपने एक अच्छा शेड लगा रखा है उसका तो, क्योंकि डार्क शेड जो रेड में है वो रात को नाइट पार्टीज़ के लिए ही होता है। अगर आप इवनिंग में, नाइट में, आई मीन पार्टी में जा रहे हैं, चाहे वो आपके बैचलर पार्टी हो, चाहे वो शादी की पार्टी हो, चाहे वो यू नो क्लब में पार्टी हो, कुछ भी, कोई भी पार्टी हो, आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे लिपस्टिक्स के बारे में मैंने आपको बताया है इस वीडियो में। हमने बात किया लिपस्टिक्स के बारे में, हमने बात किया लिप केयर के बारे में, हमने बात किया कुछ विशेष टिप्पणी के बारे में जिससे कि आपके लिप्स अच्छे रहेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मेकअप, जो आपने लिप का मेकअप किया है, आप घर आने के बाद लिप का मेकअप उतारना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेकअप करना जितना इंपॉर्टेंट है, मेकअप उतारना उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सही तरीके से। तो अगर आपको ये वीडियो हमारा जो है वो आपको पसंद आया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जो है क्यू। If you like my fashion, makeup and hair box channel, please do subscribe to my channel.